आप लोग कोठे डेरे पे गए हो, कभी किसी ने ये कहा होगा आपको कपड़े पहन लो पैसे मुझसे ले लेना? नहीं ना, उतार के ही पैसे देने हैं। मैं नशा छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ, मीडिया के आगे वादा करती हूँ। मेरा अजर मुझे दे, मैं नशा क्या, मैं दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। प्यार करने वाला ही नहीं है तो फिर क्या क्यों होता है? आपने प्यार नहीं किया? एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। उसी से ही शुरू करी थी तो उसी से ही खत्म हो। आप बता रही हो कि मर्द से नफरत है, मर्द तो बड़ी प्यारी चीज है। नहीं, बुरी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। क्यों? बहुत बुरी चीज है। नहीं, मैं मर्दात पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरा प्यो भी कब्र से उठ के आए ना कि सोनू शाह बिलीव कर, तो मैं कहूंगी नहीं। मैं सैयदजाद गिलानी हूँ। सैयदजाद गिलानी? हाँ जी, खुजरा शाम की दम मीरा लाल के रहने वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ आपको एक खातून नज़र आ रही है, 27 साल इसकी उम्र है और नाम है इसका आसफा। आसफा ने मोहब्बत की इंतहा कर दी और जिसके लिए मोहब्बत की वो तो उसको छोड़ के चला गया, लेकिन अब जो आसफा है वो नशे की लानत पर लग गई हुई है, नशा करती है और अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है इसने, नशे की लानत पे लग गई हुई है और अब रोडों पे आ गई है। अब कैसी जिंदगी गुजर रही है अब आसफा तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आसफा? मैं बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आसफा, क्या कहानी है जिससे मोहब्बत की वो छोड़ के चला गया, आखिर वो कौन था, क्या नाम है उसका? उसका नाम मोहम्मद अजहर है। अच्छा। ये इधर ट्रक डे के रहने वाला है। अच्छा। हम 5 साल रहे एक दूसरे के साथ, उसके बाद अचानक ही पता नहीं ऐसा ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड थी, मेरे अपनों ने मिलकर लूट लिया मुझे। अच्छा। तो घर से बाहर वो चला गया, पता नहीं 2 साल हो गए, उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ। मुझे नहीं खबर है उसकी। मोहब्बत कैसी हुई उससे, कब कहाँ का था, कैसे बातचीत हुई, मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ, पहले ये बताएं। मैं पार्लर का काम करती थी। आप पार्लर का काम करती थी? अच्छा। अवान टाउन में। अवान टाउन में। जी जी। तो वहाँ ये फ्लेक्स लगाने के लिए गया था मेरे पार्लर में। जी जी। अच्छा। तो वहाँ से ये हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बस वहाँ से प्यार। यानी कि बात मोहब्बत तक गई कि शादी भी की है उससे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रज़ा में कलमे पड़े हैं, कोर्ट मैरिज किया था हमने। कोर्ट मैरिज किया था? जी। पहले भी आप शादीशुदा थी? नहीं। अच्छा, यानी कि पहली शादी आपने उससे की है। नाम क्या था उसका? मोहम्मद अजहर। अच्छा, मोहम्मद अजहर। पहली शादी आपकी अजहर से हुई और वो आपने कोर्ट मैरिज की, फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो कहाँ पे गायब हो गया, कोई झगड़ा वगैरह होता था क्या? झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लाइफ कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी लाइफ इतनी अच्छी और इतनी अच्छी सोच नहीं सकते थे हम, एक दूसरे के बगैर पल भी नहीं रहते थे। 5 सालों में हम एक दिन भी नहीं जुदा हुए, तो जब जुदा हुए तो हमने अपना हाल ऐसे कर। अब जिंदगी कैसे गुजर रही? बड़ी बोर। बड़ी बोर। जब प्यार करने वाला ही नहीं है तो फिर क्या क्यों होता है? आपने प्यार नहीं किया? मैंने किया। तो फिर मैंने अपने माँ बाप से किया, अल्लाह से करता हूँ, अपने माँ बाप से। प्यार है ही है, वो तो सबको होता है। हकीकत प्यार वही है ना? हकीकत जीवन साथी का भी प्यार है। अच्छा जी। वो कौन सा, वो कैसे होता है? वो कैसे होता, वो अब मैं दिखा तो सकनी नहीं क्योंकि मेरा टकलू नहीं है। टकलू नहीं है? हाँ। बट टकलू, टकलू कौन है? मेरा हस्बैंड। आपका हस्बैंड टकलू है? कैसे, वो मुझे कैसे पता चलेगा टकलू आपका हस्बैंड? अच्छा, लोकेट भी है। वाह वाह वाह। नाज़रीन ये देखें जी, ये आप हो, ये जो तस्वीर के अंदर है। जी जी। और ये साथ में अजहर है? अजहर है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि ये लोकेट भी पहना हुआ है, उसकी याद में ये लोकेट भी पहना हुआ है। इसको दिन में कितनी दफा देखती हो? सोते बैठे उठते देखते हैं। सोते बैठे उठते देखते हैं। अजहर को ढूंढने की कोशिश नहीं की? ये ढूंढते ढूंढते तो 2 साल हो गए, ये हाल कर लिया। 2 साल से गायब? हाँ। आखिरी दफा कब मुलाकात हुई थी? 2 साल पहले। घर से गया था? घर से गया था। काम पे? घर में, घर से निकला था ऑफिस के लिए, उस दिन बाइक भी घर छोड़ गया था। ऑफिस में काम करता था? जी जी। किस चीज का? फ्लेक्स ऑपरेटर, डिजाइनर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। अच्छा, किस जी ये जे आर ऑफिस में, उर्दू बाजार। अच्छा, वहाँ भी नहीं की उसकी ऑफिस? सभी गई, सब भागा दौड़ा। आखिर माँ को तो मिलता ही होगा ना, माँ तो नहीं बंदा भूल सकता, उसके माँ बाप भी उसके साथ ही मिले हुए हैं। 5 साल आपकी शादी रही है, 5 साल के अंदर कोई बच्चे वगैरह भी हुए? 2 बच्चे हुए थे, बेटी बेटा, फोत हो गए दोनों। फोत हो गए? जी, एक मिसकैरेज हो गया था, एक बेटी हुई थी, 2 महीने बाद फोत हो गई। एक मिसकैरेज हो गया था और एक 2 माह बाद फोत हो गई थी। सही हो गया। अब तो जिंदगी आप नशे की लानत पे लग गई, नशा कर रही, लेकिन ये जिंदगी तो अच्छी नहीं है। आप नशा कर रही? मरना,
मरना। हाँ क्यों? बस किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। उसी से शुरू करी थी तो उसी से ही खत्म हो गई। नहीं जिंदगी आप बढ़ो आगे बढ़ो, शायद आपको कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। नहीं बढ़ना ना, मुझे मर्द से नफरत है, नहीं बढ़ना, बढ़ूंगी नहीं कभी तो, क्योंकि हम 2 साल हो गए वही के वही है, तो हम किसी को क्यों सहारा दें, उसकी भी जिंदगी तबाह करें, खुद की भी दोबारा करें। नहीं, जब मैं उसको प्यार ही नहीं उसका दे सकती, मेरी जिंदगी में वो है, तो फिर मैं दूसरे की क्यों जिंदगी तबाह करूं, उसकी भी बद्दुआएं लूं, अपने आप को भी मारूं, उससे बेहतर है करो ही नहीं। ना किसी को झूठी तसल्ली दो, ना किसी को झूठा सहारा दो, अपनी सेफ्टी के लिए किसी को धोखा मत। जब तुम नशा करती हो, नशा कौन सा करती हो? मैं आइस पीती हूं। आइस पीती जी? और कहां से लेती हो? मैं सदा करके आती हूँ ना, अपने पैसों से लेती हूँ, किसी के बलबूते पे नहीं लेती, अपने बलबूते पे लेती हूँ। सदा करके पैसे? हाँ, मांग कर। इतनी अच्छी लाइफ और अब तुम सदा करने लग गई हो और उसके बाद अब नशा भी करती हो, लेकिन नशा तो अच्छी चीज नहीं है, क्या नशा करने से सुकून मिल जाता? मैं मानती हूँ सदा करना बुरी बात है, नशा करना बुरी बात। कभी हम लोग आप लोग कोठे डेरे पे गए हो, कभी किसी ने ये कहा होगा आपको कपड़े पहन लो पैसे मुझसे ले लेना? नहीं ना, उतार के ही पैसे देने हैं, तो कपड़े उतारने से तो बेहतर है ना मांग लो सदा कर लो, बुरी बात नहीं है। दूसरों के आगे अपना आप दिखा के शो करा कर नशा तमाशा लेना ये तो बुरी बात है ना, उससे बेहतर है सदा करके मांग के अपना नशा लेके अपने आप को गुमसुम कर लो, ना किसी को देखो ना दिखाओ। तो आप काम भी कर सकती हैं कि जॉब भी कर सकती हैं, पढ़ी हुई हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जॉब जो मिलती है ना वो गारंटियों पे मिलती है। कितना पढ़ी हैं? मैं 7। आज जिसके पास चले जाए ना चोर बैठे हैं, चोर झूठ का धब्बा है, धब्बा बिके हुए लोग बिके, जब कोई कोई कुछ करता भी नहीं होगा, ये करता होगा, ये वो करता होगा, आई डी कार्ड दो, गारंटी दो, ये दो, बहुत सिल्लत भरी ये जिंदगी है। मैंने क्या कोशिश नहीं करी होगी? करी थी। सोती कहाँ पे हो? कहाँ पे रहती? कहाँ सोती हूँ? जहाँ आप बैठी हो मैं यहाँ सोती हूँ। इधर ही सो जाती हूँ? ये फुटपाथों पे? हाँ बिल्कुल सोती हूँ। क्यों? कि हमने अपनी इज्जत बचानी है तो फुटपाथ अच्छे हैं। लोग आगे तंग भी करते होंगे, यहाँ पे तो माहौल अच्छा है। ऐसी की तैसी सोनू शाह को तंग करे। सोनू शाह की रजा में सोई होती हूँ, तो जिनके मन साफ हो ना उनको चीटी भी नहीं। हाँ जी, मैं उसकी बलबूते पे बैठी हूँ। माहौल तो अच्छा नहीं है, लोग तो बेड़ियों की तरह। मेरे रब से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है सर जी, मेरा रब चाहे तो मुर्दे को कीड़ा नहीं लगाता, तो मैं तो फिर उसकी हुक्मगार में बैठी होती हूँ और लेटी होती हूँ। मैं अपना अपने अल्लाह को याद करके दुरूद शरीफ पढ़ के सीने पे फूक मार के सोई होती हूँ, कहती हूँ अल्लाह मैं तेरे हिफ्ज़ो अमान में हूँ, तो वो फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि सोनू शाह, ये आप मुझे प्यार से सब सोनू शाह कहते हैं। सैयद घराने से? जी, मैं सैयदजाद गिलानी हूँ। सैयदजाद गिलानी? हाँ जी, हुजरा शाम की दम मीरा लाल की रहने वाली। अच्छा जी, तो जब आप सोई होती हैं तो लोग तो आते होंगे, कभी ऐसा वाक्या कभी हुआ कि किसी ने आके तंग किया हो, छेड़ा हो? हुआ था। हाँ, पर अल्लाह का शुक्र है, मेरा अल्लाह इज्जत भी मेरा अल्लाह देता है, जिल्लत भी मेरा अल्लाह देता है। मैं मेरा दिल साफ था, मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। अगर वो चाहता तो वो मुझे जिल्लत भी दिलवा सकता था, पर उसने नहीं दिलवाई क्योंकि मेरा मन साफ है। मुझे वो कट मार के फेस पे भाग गया, ये देखिए। ये ओहो नाजिन, ये देखिए जरा, ये कट किस चीज का? चेहरे पे भी कट है? वो ना उसने पेपर कट मारा था, जिससे हम पेपर काटते हैं ना, वो कट मार दिया था, ऐसा तेरी चमा भाग गया। फिर क्यों मारा था? वो आया था गलत इरादे से मेरे बिस्तर पे रात को। तुम्हारे बिस्तर पे आया था? जी। अच्छा, इसीलिए हाथ आप पाई हुई, फिर वो गुस्से में नशे में वो दूत था, तो इसीलिए वो भाग गया। हाँ, वो भी 302 के अंदर है, 9C लगी हुई, कैसी बात। अब मेरे अल्लाह को जो मंजूर है वही होना। आपका इतना अकीदा मंजूर जो है ना वो पुख्ता है, और आप बता रही हैं कि आप अल्लाह पे इतना भरोसा तवक्कल है, लेकिन आसपा के रिश्ते करना है तो अल्लाह की जात से करो, अल्लाह के रसूल से करो। वो तो मैं करती हूँ, याद होता है वैसे भी निशानी ये हाथ में है, 24 घंटे उसी का जिक्र, तो मेरे मियाँ की सलामती की दुआएं। वो तो मिल नहीं रहा ना मिले यार, मेरे दिल में तो है ना, क्या हो गया? वो कैसे लोग निकालेंगे? ये कट किस चीज के हैं? ये आपने? ओहो नाजिन, ये देखें आप, ये ब्लेड, ये तो अच्छी चीज नहीं है, अपनी आपको जियत दे रही हूँ। अच्छा नहीं है, अपने आपको जियत तो दूंगी, प्यार भी तो खुद से किया, जिल्लत भी तो खुद नहीं दूंगी ना। ये कैसा, ये तो फिर जहालत है कि अपने आप को जख्म दे रही हूँ। नहीं है ना, ये क्या फिर बताओ? यही तो सजा है प्यार की, जो खुद को देनी है। ये कैसा प्यार है कि अपने आप को जुल्म कर रही हो और अपने आप पे सितम कर रही हो? ये प्यार थोड़ी है, ये तो जहालत है। जहालत नहीं है ये, जे क्या है ये? जे, ये सामने टैटू किस चीज का?
ये मैं उसका वो जान लिखवाया था जे के साथ। जे के साथ जान लिखवाया था जी। ये दिखाएं जी, ये जे के साथ जान लिखवाया हुआ था और अपने आप पे इसने यानी के वो आप देख भी सकते हैं अपने हाथ को भी जख्मी किया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छी चीज नहीं है मेरी बहन। भाई ऐसे ही मर जाना है? अगर मेरा अजर नहीं मिला तो हम ऐसे ही मर जाना। अजर ना मिला एक बंदे की जाना जिंदगी कब खत्म हो जाती है? जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। आप बता रही हो कि मर्द से नफरत है, मर्द तो बड़ी प्यारी चीज है। नहीं बुरी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। क्यों? बहुत बुरी चीज है। नहीं मैं मर्दात पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरा प्यो भी कब्र से उठ के आए ना कि सोनू शाह बिलीव कर, तो मैं कहूंगी नहीं। इतना तो फिर आप अजर पे कैसे इत्मीनान कर सकती? वो भी तो एक मर्द है ना। वो एक खूबसूरत जिंदगी थी। हाँ वो कल वो ये मेरा आज है, वो मेरा कल था, वो जो सुहाना था, जब पता ही नहीं था, जब चोट लगी तो पता भी चला। तो अपने आने वाले कल के बारे में सोचो ना, जो गुजर गया उसको भूल जाओ। ये मीडिया वाले ये सब मेरा अजर ला दे तो मैं फिर सुहाना मेरी जिंदगी हो जाएगी। दो साल से आप ढूंढ सकते हैं मेरा अजर मीडिया वाले? नहीं। ये नशा दे सकता है? मैं नशा छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ मीडिया के आगे, वादा करती हूँ मेरा अजर मुझे दे। मैं नशा क्या, मैं दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। हाँ जी मेरा अजर दे। हाँ जी नाजिन ये हालात हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बातें कर रही है और बता रही है कि अजर जो कि इसका शोहर था और उससे ये मोहब्बत करती थी और 5 साल ये उससे शादी के बंधन में बंधी रही है। 2 साल हो गए उसको यानी कि गायब हुए और उसको छोड़ के चला गया हुआ है। अब ये नशे की लानत में लग गई, या नशा भी करती है और सदा भी करती है और सदा करके मांगती है और उसके बाद नशा अपना पूरा करती है और अपने आप को ब्लेड मार के इसने किस तरीके से जख्मी भी किया हुआ है और कह रही है कि मैं मोहब्बत करती हूँ। नाजिन मेरा तमाम वो जो मेरी बहनें देख रही हैं उनसे मेरा मुतालबा है, उनसे मेरी गुजारिश है, मौत बाना गुजारिश है, अगर मोहब्बत करनी है ना तो अपने माँ बाप से करें, अपने अल्लाह से करें, जिससे आपको कुछ मिल भी जाना है। ये दुनियावी मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दें, ये सब झूठ है, ये सब झूठ पे मबनी बातें होती हैं। इसीलिए अगर आपने मोहब्बत करनी है तो अपने अल्लाह से करें, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे झुकेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी इस दुनिया के अंदर। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ेगा कीजिए। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।